आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर, मेरे साथ आशीष अंधानी जुड़े हैं और बाजार आज एक रेंज में है। ऐसे में कौन से ट्रेड्स आपको रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में जहां पर जबरदस्त कमाई हो सकती है? आशीष जी, पहला ट्रेड आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको खरीदना हो तो कौन सा स्टॉक खरीदेंगे? UPL एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे लग रहा है, स्पेशली जब से ये अपने 593-594 जोन के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेडर्स एक बाइंग बेट ले सकते हैं, एक स्टॉप लॉस 594 का रखें और 615 तक के टारगेट्स मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हम देख सकते हैं। प्योर एग्रीकल्चर जो इसमें प्ले है, जो मॉनसून का प्ले है, मुझे लगता है शायद वो भी इसमें प्ले आउट हो रहा है। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है इस स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है ऑन दी बाइंग साइड। तो मेरे ख्याल से ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसको आप बाय कर सकते हैं, UPL। चलिए, UPL पे 615 के लक्ष्य के लिए आप पॉजिटिव अप्रोच रखें। कोई और स्टॉक सर जो आप खरीदारी के लिए रिकमेंड करेंगे आज के सत्र में? वेदांता एक जो मैंने पहले डिस्कस किया उसको बाय कर सकते हैं ट्रेडर्स। पूरे मेटल पैक में काफ़ी तेज़ी आ रही है, मुझे लगता है कि वेदांता की अब रैली स्टार्ट हुई है। जो हिंडालको एक ट्रिगर था पूरी तेज़ी के लिए, टाटा स्टील ने फॉलोअप किया, वेदांता फॉलोअप कर रहा है, तो वेदांता को बिल्कुल बाय करें। 104 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 115 तक के टारगेट्स मुझे लगता है आगे आने वाले समय में दिख सकते हैं। ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे में, मेटल स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन शानदार है। हिंडालको जैसे स्टॉक्स अब 4% ऊपर आ गए, टाटा स्टील में एकदम से यहाँ पर निचलेसों से खरीदारी लौटी है और टाटा स्टील 2% ऊपर है। वेदांता पॉजिटिव मूव है और वेदांता ही आशीष की पसंद है, निचले स्तरों से खरीदारी बढ़ सकती है, इसको अपने रडार पर रखें। टारगेट है 115 कैश के हिसाब से। आशीष जी, तीसरा स्टॉक खरीदारी करें या फिर बिकवाली, कोई ऐसा स्टॉक जहां पर अच्छी कमाई हो सकती है? मुझे TVS मोटर काफ़ी वीक लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। इसके रिजल्ट्स काफ़ी वीक आए थे, उसके बाद एक ड्रास्टिक फॉल आया था, थोड़ा सा संभलने की कोशिश की इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, 290-295 तक उसने संभलने की कोशिश की, बट वहाँ से क्रैक डाउन आया है। मुझे लगता है वो क्रैक डाउन थोड़ा टाइम और कंटिन्यू रहेगा, ट्रेडर्स TVS मोटर में सेल कर सकते हैं। जो मुझे टारगेट इसमें लग रहा है 275 का लग रहा है, जो स्टॉप लॉस है 292 के आसपास इनको रखना चाहिए TVS मोटर सेल में। चलिए, तो आपकी तीन पिक्स में एक बार व्यूअर्स को फिर से बता दूँ। TVS मोटर पर आप शॉर्ट हैं, 275 का टारगेट लेके चल रहे हैं, कैश के हिसाब से ऊपरी स्तर पर दबाव बन सकता है, खरीदारी करनी है तो यहाँ पर वेदांता एक बेहतर पिक हो सकती है जिसमें निचले से अभी और तेजी बढ़ेगी। टारगेट है 115, इसको अपने रडार पर रखें। और UPL इस स्टॉक पे जोरदार कमाई हो सकती है क्योंकि टारगेट है 615 का और स्टॉप लॉस 594, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में, अच्छी तेजी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। अरबिंदो फार्मा, इनफैक्ट सन फार्मा और अरबिंदो फार्मा बिल्कुल कॉन्ट्रा ट्रेंड है आज के सत्र में। सन फार्मा डे लो, अरबिंदो फार्मा में जोरदार तेजी, आपका व्यू दोनों स्टॉक्स पे? देखिए, अरबिंदो फार्मा में काफ़ी पॉजिटिव हूँ, जो आज इनके कॉन कॉल में बहुत पॉजिटिव चीज़ें निकल के आए उसके बाद से स्टॉक ने रिएक्ट किया। मेरे ख्याल से अरबिंदो फार्मा में आने वाले समय में शायद 800-820 तक का लेवल भी देख सकते हैं। सन फार्मा में एक कॉन्ट्रा प्ले देखने के लिए मिला, इनफैक्ट एक बाईबैक डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद भी स्टॉक लो पे जा रहा है। बहुत सारे कंसर्न्स अभी भी हैं जो एड्रेस नहीं हुए हैं मेरे ख्याल से, और रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे शायद ट्रेडर्स उस कंसर्न्स को क्लियर करने के लिए, बट शायद मैनेजमेंट ने उन कंसर्न्स को क्लियर नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर शायद आप इसका 700 रुपये तक का भी लेवल देख लें अगर पाँच से सात दिनों में, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेंड चल रही है दोनों में वही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी, और फार्मा अब एक ऐसा प्ले हो गया जिसमें हमें एक सेक्टोरल प्ले लेना बहुत डिफिकल्ट है। अलग अलग स्टॉक अलग अलग कॉन्ट्रा प्ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से अब फार्मा में आगे आने वाले 1-1.5 साल में भी मुझे नहीं लगता है कि आप एक सेक्टोरल व्यू ले सकते हैं। पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हमने देखने के लिए मिला है, तो वही डाइवर्जेंस इन दो स्टॉक जो आपने आज जिक्र किए, अरबिंद और सन फार्मा, उसमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सन फार्मा यहाँ से काफ़ी वीक लग रहा है, करीब 700 तक के लेवल्स हो सकते हैं, अरबिंदा 820 तक के लेवल्स टच कर सकता है। इसी सेक्टर में एक और शेयर बायोकॉन पर नजरिया दें क्योंकि नए लेवल्स छू रहा है आज के सत्र में भी, यहाँ पर तेजी बनी है। बायोकॉन आपके हिसाब से व्हाट्स द नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट? फिलहाल 2% के आसपास की तेजी शो कर रहा है सर। देखिए, बायोकॉन एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक है, बहुत समय तक अगर आप देखें सालों का इसका चार्ट देंगे तो अंडर ओन्ड ये स्टॉक रहा है। मुझे लगता है अभी भी इसमें ओनरशिप बहुत कम है और अभी भी स्कोप तेजी का है, बट मुझे लगता है कि 750 एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस और बहुत स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन जोन होगा, क्योंकि जो ट्रेडर्स 550-600 रुपये से लेके बैठे हैं और अगर जिस तरीके की अनसर्टेनिटी फार्मा में आ रही है, मेरे ख्याल से 750 एक बहुत स्ट्रांग टॉप होगा और वहाँ से इसको रिवर्सल लेना चाहिए। तो तब तक तो ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, ट्रेडर चाहें तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 710 रुपये का और इसमें बाइंग कर सकते हैं बायोकॉन में। चलिए, हमने ऑप्शंस रणनीति जो आज ली है वो बोनांजा पोर्टफोलियो से ली है। पुनीत किनरा से इनफैक्ट, जो कि AVP है बोनांजा पोर्टफोलियो के, उनका मानना है
कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल टीसीएस में मिल सकता है। आज इंटरेस्टिंगली टीसीएस और इंफोसिस ऊपरी स्तरों पर फिसले हैं, गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बोनांजा का मानना है कि टीसीएस को आप खरीदें और बेहतर तरीका यह है कि आप इसकी 2600 की कॉल जो है वो खरीद लें जो फिलहाल 49 रुपीज के आसपास मिल रही है। रिवर्सल आया तो सीधा 49 से 90 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं 2600 की कॉल पे जून सीरीज में, और 25 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे आपको लगाना है, यानी कि टीसीएस निचले स्तरों से पलट सकता है, बायन डिप्स का कैंडिडेट है, 2600 की कॉल आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष जी बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए और वायदा बाजार पे बात करने के लिए, अप्रोच बताने के लिए।